press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खेत पर सोती नाबालिग से की हैवानियत, पुलिस ने भी दिखाई बेरुखी, बमुश्किल हुई एफआईआर। लिविन में रहने वाली बेटी और प्रेमी के किए टुकड़े, शहर भर में ठेले पर घुमाई लाश। किसानों का जयपुर कूच किया विफल, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा, विधानसभा घेराव की थी तैयारी। विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू हुई राजनीति, किशनगढ़ बास सीट पर जिला प्रमुख ने टिकाई नजर, रैली के जरिए विधायक पर लगाए आरोप। और अब समाचार विस्तार से। जालौर जिले के आहोर थाना क्षेत्र के पांचोटा गांव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। यहां खेत में सोती नाबालिग को आरोपी जबरन ले गया और दुष्कर्म को अंजाम दिया। पीड़िता रात को अपने खेत पर बनी झोपड़ी में सो रही थी, तभी रात को 12 बजे के आसपास आरोपी पकाराम मीणा वहां आया और उसके हाथ पांव बांधकर खुद के खेत पर ले गया। इसके बाद नाबालिग के साथ बलात्कार किया। देर रात को 3 बजे पीड़िता वहां से भागकर अपने खेत पर वापस आई और पूरी घटना अपनी मां को बताई। दूसरे दिन उसकी मां और पिता पीड़िता को लेकर चांदराई पुलिस चौकी पहुंचे, लेकिन वहां उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 2 दिन तक पुलिस टाल मटोल करती रही और आखिरकार आज पीड़िता और उसके परिजन आहोर थाने पहुंचे, जहां पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई गई है। पांचोटा गांव की नाबालिग बच्ची के साथ में 18 तारीख की टेप की घटना की रिपोर्ट आई, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है आईपीसी और पोस्को में। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। इसमें मुजरिम कौन है? इसमें पक्काराम मीणा है, भवरानी। ठीक है सर, थैंक यू। गौरतलब है कि राजस्थान में नाबालिगों और महिलाओं से रेप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस तरह के प्रकरण जहां नैतिक मूल्यों में गिरावट को दर्शाते हैं, वहीं आहोर के इस मामले में पुलिस की ढिलाई को भी अफसोसजनक कहा जाएगा। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ऑनर किलिंग की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। अब इसी तरह की हत्या का मामला पंजाब के लुधियाना में सामने आया है। यहाँ एक बाप ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव के टुकड़े कर चौराहे पर रख दिए और गाली देते हुए लाशों पर लाते बरसाता रहा। आरोपी की बेटी अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी। इस रिश्ते को लेकर पिता खफा था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में जाँच शुरू कर दी है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कुंभकला इलाके के गुरमेल सिंह की बेटी बलजीत कौर और कुलदीप सिंह के बीच करीब 4 साल से प्रेम संबंध है। बलजीत कौर शादीशुदा थी और पिछले 1 साल से पति को छोड़कर प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी। दोनों के इस रिश्ते पर बलजीत कौर के पिता को आपत्ति थी। इसके चलते हत्या के इरादे से आरोपी रात के समय बलजीत कौर के घर पहुंचा। इस दौरान उसने खाना खाया और रात को ही वहीं ठहर गया। मौका पाकर देर रात को गुरमेल सिंह ने बेटी और प्रेमी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने लाशों को रेहड़ी में लाद कर चौराहे पर रखा, साथ ही शहर भर में घुमाते हुए उन पर वार करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं इस सनसनीखेज घटना की चर्चा पूरे शहर में है। काला डेरा से जयपुर कूच के दौरान गिरफ्तार किए गए किसान नेता अमरा राम सहित 24 किसानों को बुधवार सुबह भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ काला डेरा थाने से न्यायालय के लिए रवाना किया गया। यहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
बुधवार सुबह जब किसानों को बस द्वारा न्यायालय ले जाया जा रहा था, तब किसानों ने थाने से बस में बैठते समय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एडिशनल एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात रहा। डीएसपी दीपक शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से न्यायाधीश ने अमरा राम सहित सभी किसानों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जयपुर कूच कर रहे किसानों को रोकने के बाद देखा गया कि वे विधानसभा घेराव की पूरी तैयारी करके चल रहे थे। जो वाहन किसानों के साथ चल रहे थे, उनमें खाने पीने का सामान और कपड़े आदि रखे हुए थे। उल्लेखनीय कि राजस्थान सरकार ने बजट में किसानों को एक सीमा के भीतर कर्ज माफी तो कर दी है, लेकिन किसान नेता इससे नाखुश है। इसके अलावा उनकी कई अन्य मांगे भी हैं और इसे लेकर काश्तकारों ने विधानसभा घेराव की योजना बनाई, लेकिन फिलहाल इनके अगुआ नेताओं को पकड़कर सरकार ने घेराव टाल दिया है। राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन संभावित दावेदारों ने अपनी सीट की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा वे क्षेत्रीय विधायकों पर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में अलवर जिला प्रमुख रेखा राजू यादव और उसके पति राजू यादव की निगाह किशनगढ़ बास सीट पर है, जहां उन्होंने एक रैली आयोजित की। इस रैली में क्षेत्र के भाजपा विधायक पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे सवाल पूछे गए। बिजली घर से एसडीएम कार्यालय तक यह रैली निकाली गई। रैली के समापन पर जिला प्रमुख और उनके पति राजू यादव ने आरोप लगाया कि विधायक विकास कार्यों में भेदभाव बरत रहे हैं। रैली में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता यादव ने विधायक से करीब 10 सवाल पूछे। इन सवालों में क्षेत्र के लोगों की विद्युत निगम के अधिकारियों से जबरन वीसीआर भरवाने, क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन में हिस्सेदारी, अलवर शहर में कई शोरूम खोलने और अपना घर शालीमार एवं विज्ञान नगर में अनेकों प्लॉट खरीदने के लिए पूंजी के स्रोत पूछे गए। इसके अलावा जिला परिषद के माध्यम से होने वाले करीब 15 करोड़ रुपए के कार्यों को रुकवाने पर भी सवाल पूछा गया। विधायक पर कृषि मंडी में ऑफिस खोलने और निवास बनाने और लोगों को धमकाने से जुड़े आरोप भी लगाए गए। उनका यह भी कहना था कि लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान बसई बीरबल गांव में विधायक का विरोध करने वाले युवाओं को थाने में जमकर पीटा गया। के अंदर घोषणा की थी कि आपको बिजली मिलेगी, मैं तो ये कहता हूँ 29 तारीख को शाम को 6 बजे बिजली काट दी गई और 1 तारीख को रिजल्ट आ रहा था तो पूरे जिले के अंदर बिजली नहीं थी। सभा के बाद कांग्रेस नेता ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों का पूरा ऋण माफ करने और बेरोजगारों को 10,000 रुपए भत्ता दिए जाने सहित क्षेत्र में बिजली की 24 घंटे सुविधा देने की मांग शामिल है। आपको मिला दी सो सारे इसी तरह पेंशन की राशि भी बढ़ाने की मांग उठाई गई। इस मौके पर प्रेम पटेल, जमशेद खान और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। अक्षय कुमार की पैडमैन फिल्म रिलीज होने के बाद से महिलाओं में सैनिटरी पैड को लेकर जागरूकता की कोशिशों में तेजी आ गई है। इसी कड़ी में एक प्रयास संस्था द्वारा अलवर के डेहरा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चुप्पी तोड़ो सयानी बनो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष अरुणा देवड़ा ने बताया कि संस्था द्वारा एक अभियान चलाकर ग्रामीण अंचल की छात्राओं और महिलाओं को जागरूक बनाया जाएगा। इसी के तहत डेहरा स्कूल में सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के बारे में बताया गया और इसका उपयोग नहीं करने के दुष्परिणामों की भी जानकारी दी गई। बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए पूरी जोर शोर से अभियान छोड़ रखा है। उन्होंने अभी प्रताप ऑडिटोरियम में सारे स्कूल के टीचर्स को बुला करके और ये समझाया कि बच्चों को अवेयर कर दिया, सेल्फ अवेयरनेस लाइए। उन्होंने अपना एक ये दिया है कि चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, तो आप लोग अपनी चुप्पी तोड़ो और सयानी बनो, ठीक है ना। इस
चुप्पी तोड़ो सियाने बनो टॉपिक पे। शर्म वाली बात होती थी ना, छुपाना है इसको बात नहीं करना। हाँ। तो उसकी चुप्पी तोड़नी और सियानी बननी, सियानी बनना है आप लोगों को। आगे की अपन केयर कर सकते हैं। आप लोगों ने टॉयलेट पिक्चर देखी है? वैसे ही बैटमैन पिक्चर हम कोशिश करेंगे आप लोग स्कूल में प्रोजेक्टर लाके दिखाएं। आप लोग सब देखिए बैटमैन पिक्चर, ठीक है? एक दिन हम आपके टीचर से पूछ करके एक फिक्स करेंगे जिस दिन हम आपको ये मूवी पूरी दिखाते हैं, ठीक है? किस किस ने देख ली मूवी? देखिए किसी ने? किसी ने देखी मूवी? ठीक है, हम दिखाएंगे आपको। मैडम अपने कितनी लड़के हैं स्कूल की, अपने एक पूरे परिवार को सुधार सकते हैं। और आप अच्छी बनोगे आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी की आप समझदार बनेगी। पुराने लोग भी आप मम्मी वगैरह भाभी हैं वो भी समझदार हो जाएंगे। आप सिखाओगे तो वो भी समझदार हो जाएंगे, है ना? वो पढ़े आधार कार्ड लेके आना है अपन। हाँ अच्छी बताओ, सब में से बैड कौन कौन यूज करता है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बनाना यूज करते हैं, ठीक है? अच्छी बात। बाकी लोग जो कपड़ा यूज करते हैं वो नहीं करेंगे, आप पैर यूज करेंगे। अभी फिर बोला ना, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। हम लोग कितनी हिम्मत से आए हैं ना आप लोग के सामने। हम लोग भी तो औरत है ना, शर्म हम लोगों को भी आती है, पर हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। हमको बोलने में कोई शर्म नहीं, कोई नहीं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक साइंस है, ये हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है, ये हमारे होता है, सब औरत से होता है। हम आप लोग के लिए आए हैं, आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, ठीक है? आज हम आप लोगों के लिए पेंसिल और पैड हम लेके आए हैं, आप लोग यूज कीजिए। यदि आप लोग सच में चाहेंगे कि आपको कम दाम। वहीं 200 छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए गए। इसी कड़ी में 22 फरवरी को टोडियार गांव में निशुल्क मातृ शक्ति स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। कार्यक्रम में गायत्री डाटा, आशा मित्तल, सुनीता सुमन अग्रवाल, पूनम अरोड़ा और कर्मचारी नेता मूलचंद गुर्जर आदि मौजूद रहे। वर्ष 2013 में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा NRHM के तहत लगे संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया गया। नियमित किए जाने की मांग को लेकर आज जिला NRHM कर्मिक संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के उपाध्यक्ष पूरण मीणा और संयोजक राकेश सोनी ने बताया कि संघ द्वारा सितंबर माह में 45 दिन की हड़ताल भी की गई थी। उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनकी कोई मांगे नहीं मानी गई। संघ द्वारा पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी उपेक्षा जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुराज संकल्प यात्रा निकाली थी 2013 में, उसमें उन्होंने वादा किया था कि नियमित जो संविदा कर्मी है NRHM में लगे हुए उनको नियमित किया जाएगा, और लगभग इस सरकार के 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। 45 दिन की हड़ताल के बाद उन्होंने वादा किया था कि आपको जल्दी ही नियमित कर आगे आपकी जो भी मांगे उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्रियों से मिले, लेकिन कहीं कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आज वापस माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने हैं। समस्या यह है कि आज से हमने 1.5 महीने पहले भी 45 दिन का धरना दिया था। हमारी एक ही समस्या है जो 2013 में जो भर्ती हमारी थी उसको रीओपन करके हमको नियमित किया जाए, यही हमारी मेन। सरकार ने सुराज संकल्प राजस्थान में खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बच्चों की क्या हालत है, यह है जानने के लिए निकाली जा रही भारत माला बचपन यात्रा का आज समापन हो गया। बाड़मेर से लेकर श्री गंगानगर तक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा यह यात्रा निकाली गई। मनन चतुर्वेदी ने गंगानगर तहसील के सीमावर्ती गांवों का निरीक्षण भी किया। वहीं राजस्थान पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर गांव हिंदूमल कोट में भारत माला बचपन यात्रा का समापन हुआ। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समापन समारोह में जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोग अध्यक्ष ने समापन समारोह में बोलते हुए अपने 13 दिन की यात्रा के कुछ अनुभव भी बताए कि कैसे रेगिस्तान में बच्चों की पानी की समस्या है।
वहीं किस तरह विद्यालयों में अध्यापक कार्य दिवस में भी अनुपस्थित रहते हैं। कई जगह तो टांकों से पानी निकालकर साल भर उसी से काम चलाया जाता है। जो हमारे जिले हैं उनमें बच्चों की कैसी स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उनको अपने साथ जोड़ना और उनके अधिकारों का संरक्षण सभी ऑफिसर्स को संवेदनशील करते हुए उनको विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं, स्कूल, आंगनबाड़ी, मेडिकल हॉस्टल्स, जितने भी बच्चों के हॉस्टल्स हैं उन सबको सेंसिटाइज करते हुए उनकी जो यथा स्थिति है उन सबको देखना, उनको दुरुस्त करना, बच्चों को कम्प्लीट बेनिफिट पहुँचाना, जो भी उनके अधिकार हैं वो उनकी मुट्ठी में दिलाना, और अधिकारों का जब हनन हो तो उन्हें कहां पर किस अधिकारी को बताना है और बिना डरे बिना सहमे वो अपनी बात कहें, हम हमेशा उनके साथ हैं। ये भारत माला की मेन मोटिव थी और ये हमने पूरी की। 12 दिवसीय बचपन यात्रा में चतुर्वेदी ने लगभग 80 गांवों में पहुंचकर जन सुनवाई की। इस दौरान विद्यालय में बाल अधिकार क्लब के गठन पर भी जोर दिया गया। समापन समारोह में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गानों पर प्रस्तुतियां दी। वहीं उपखंड अधिकारी यशपाल अरोड़ा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखकर ही उन्हें अपने अधिकार मुहैया करवाए जा सकते हैं। समारोह में विकास अधिकारी सुखविंदर सिंह, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सैनी, भाजपा के आईटी सेल से जुड़े सुनीत नागपाल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CDPO, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक वीरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत सरपंच हरविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे। एक वक्त था जब 5 या 7 डिजिट के लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर आ गए। इन्हें याद रखना आसान नहीं है और यह मुश्किल अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सुरक्षा के लिहाज से टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उपभोक्ताओं को 13 डिजिट का मोबाइल नंबर इशू करने की बात कही गई है। पहले से मौजूद उपभोक्ताओं के नंबर 1 अक्टूबर 2018 से 13 डिजिट में बदल दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इस काम को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी है। यह निर्णय लिया जा चुका है कि 1 जुलाई 2018 से 13 डिजिट M2M यानी मशीन टू मशीन नंबरिंग प्लान शुरू कर दिए जाएंगे। पहले से मौजूद M2M 10 डिजिट के मोबाइल कनेक्शन को भी 13 डिजिट के नंबर दिए जाएंगे। इनको 1 अक्टूबर 2018 से बदला जाएगा। इस काम को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2018 होगी। गौरतलब है कि M2M सिम ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्मार्टफोन्स और अन्य डिवाइसेज और सिस्टम्स के मध्य संचार करने की अनुमति देती है। यह सामान्य GSM सिम तकनीकी से काफी अलग है। GSM सिम के अंतर्गत एक फोन से दूसरे फोन के मध्य ही संचार संभव है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। खेत पर सोती नाबालिग से की हैवानियत, पुलिस ने भी दिखाई बेरुखी, बमुश्किल हुई FIR। लिविन में रहने वाली बेटी और प्रेमी के किए टुकड़े, शहर भर में ठेले पर घुमाई लाश। किसानों का जयपुर कूच किया विफल, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा, विधानसभा घेराव की थी तैयारी। विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू हुई राजनीति, किशनगढ़ बास सीट पर जिला प्रमुख ने टिकाई नजर, रैली के जरिए विधायक पर लगाए आरोप। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।